गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड। सो स्टूडेंट, ओपन योर कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ चैप्टर इज वर्ड एंड सेंटेंसेस। इन लास्ट क्लासेस यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज सेंटेंसेस। सो इन दिस क्लास वी विल रिवाइज दिस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्प मिनी अनजम्बल द वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो ठीक से राइट नहीं है, ठीक है, मिसप्लेस है, उनको आपको अनजम्बल करना है यानी ठीक करना है। देन मैच द वर्ड विद द पिक्चर्स। आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करके उसकी पिक्चर्स से मैच करना है। तो फर्स्ट में क्या है, कीडन, डिकॉट, इसरो, पिवित्रा, कॉलेजियोर। तो ये कीडन से क्या होगा, कौन से क्या आएगा इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग में से कुछ ऐसा है जो आ सकता है? यस, डंकी। नेक्स्ट इज डिकॉट। तो ऐसा क्या होता है ये रिकॉर्ड से, क्या ये डॉक्टर हो सकता है? यस, तो हमने सेकंड को मैच कर दिया ई से, इट मींस ये डॉक्टर है। नेक्स्ट ई एस आर ओ, तो फोर वर्ड से क्या होता है, लेटर से क्या होता है इसमें, रोज, आर ओ एस ई, रोज। नेक्स्ट है पिपित्रा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? सो आर ए डबल बी आई टी, रैबिट। तो फोर्थ को हमने सी से मैच कर दिया। नेक्स्ट है सी ओ एल ए टी एच ओ सी, क्या है ये, मे बी चॉकलेट, सी एच ओ सी ए एल ए टी, चॉकलेट। तो फिफ्थ को हमने मैच कर दिया डी से। तो इस तरह से ये हमारे होगा। नेक्स्ट इज लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड। इन वर्ड्स को देखिए, ग्रुप में है, व्हाट डू यू दे मीन, इसका क्या मतलब है? इस रैबिट दिस अ टुडे वेरी हॉट इज दिस, इज इट स्विमिंग, यू डू नो। सो द दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डू नॉट मेक एनी सेंस। इसका कोई सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज दे आर नॉट इन अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड। अब इन वर्ड्स को पढ़िए। दिस इज अ रैबिट, ये एक रैबिट है, खरगोश है। इट इज वेरी हॉट डे, आज का दिन में बहुत गर्म है। डू यू नो स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? तो इन सेंटेंसेस का मीनिंग है और ये सेंटेंसेस का कोई मीनिंग नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, अब आप समझ गए हो उसका क्या मतलब है? नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 14। सो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर मेक अप अ वर्ड। जो ग्रुप्स में जो लेटर्स होते हैं उनको करेक्टली राइट करोगे तो वो हमारे वर्ड कहलाएंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर मेक अप अ सेंटेंस। काफी सारे करेक्ट वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कम्प्लीट इटसेल्फ एंड मेक सेंस। सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो काफी सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड से मिलकर बनते हैं, जिनका खुद का एक सेंस होता है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड एंड विद अ फुल स्टॉप, और उसकी एंडिंग किससे होती है, फुल स्टॉप से होती है। सो नाउ वी डू एक्सरसाइज पोर्शन। सो फर्स्ट ए एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर्स। सो दिस वन इज अ पिक्चर एंड रीड द क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्लूज को पढ़िए और फिल इन द ब्लैंक्स को कम्प्लीट कीजिए। सो इट्स लिव इन अ पॉन्ड। पॉन्ड में कौन रहता है इन पिक्चर्स में से? यस, डक। सो डी यू सी के, डक। नेक्स्ट से इट इज द बेबी ऑफ अ कैट। कैट का बेबी कौन है इनमें से? यस, किटन, दिस वन, यानी इट मीन्स किटन। सो के आई डबल टी ई एन, किटन। नेक्स्ट इज आई हैव अ वेरी लॉन्ग नेक। मेरी नेक जो है, गर्दन काफी लंबी है। इसमें से लॉन्ग नेक किसकी है? यस, दिस वन, जिराफ। सो जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ। नेक्स्ट से आई लव टू ईट हनी, मुझे हनी खाना पसंद है। किसे हनी खाना पसंद है इन पिक्चर्स में से? बेयर, यानी भालू को। सो बी ई ए आर, बेयर। नेक्स्ट इज आई क्रोक इन द रेनी सीजन। मैं रेनी सीजन बारिश में टर्टल करता हूँ। कौन करता है? फ्रॉग, यानी मेंढक। सो एफ आर ओ जी, फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट इज दी एक्सरसाइज। रीड ईच ग्रुप ऑफ वर्ड, कलर द बॉक्स ब्लू इफ इट इज अ सेंटेंस। इन सारे वर्ड्स को पढ़िए और अगर कोई करेक्ट वर्ड आता है, कोई करेक्ट सेंटेंस होता है, तो उस बॉक्स में आपको ब्लू टिक करना है, अदरवाइज आपको रॉन्ग टिक करना है। अ कार्टून एम आई एम वॉचिंग आई, क्या इसका कोई सेंस बनता है? नो, इट मीन्स आप यहाँ रॉन्ग टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज अ बंच ऑफ फ्लावर। बंच फ्लावर का नहीं होता है, ग्रेप्स का होता है। ओके, दिस वन ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज यू कैन ड्रॉ वेल, तुमने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, तो ये सेंटेंस बनता है ना, इसलिए हमने इस बॉक्स में ब्लू कलर कर दिया है। नेक्स्ट इज टुमारो इज अ हॉलीडे, कल छुट्टी है, इसका भी एक सेंटेंस का कोई मीनिंग बनता है, इसलिए हमने इस बॉक्स में ब्लू कलर फिल कर दिया है। नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए हमने यहाँ रॉन्ग टिक किया हुआ है। नेक्स्ट इज जो प्लेस इन द पार्क एवरीडे, जो पार्क में रोजाना खेलता है, इस सेंटेंस का मीनिंग बनता है, इसलिए हमने यहाँ ब्लू कलर किया है। ब्लू द स्काई, नीला आसमान, कोई मीनिंग नहीं है, तो रॉन्ग टिक किया है। अ काओ गिव अस मिल्क, काओ यानी गाय हमें दूध देती है, सेंटेंस का मीनिंग है, तो हमने यहाँ ब्लू कलर फिल कर दिया।
ओके नेक्स्ट इज सेंटेंस एंड क्वेश्चन. अब सेंटेंस और क्वेश्चन क्या होती है हमारे, लुक एट दी सेंटेंस. अब इन सेंटेंसेस को देखिए, द सन इज येलो, ये सेंटेंस है फुल स्टॉप. एंडिंग किससे होती है इसकी, फुल स्टॉप से. फुटबॉल इज माई फेवरेट गम, फुटबॉल मेरा फेवरेट पसंदीदा गेम है, फुल स्टॉप. बिकॉज बात कंप्लीट हो गई. आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, फुल स्टॉप. आई हैव टू आईज, मेरी दो आंखें हैं, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, दिस सेंटेंस टेल अस समथिंग, ये सेंटेंस हमें कुछ बताते हैं. अ सेंटेंस टेल अस समथिंग, इट एंड विद अ स्टॉप. जो सेंटेंस हमें कुछ बताते हैं उसकी एंडिंग किससे होती है, फुल स्टॉप से होती है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, अब इन सेंटेंसेस को देखिए. वाई इज द सन सो हॉट, सन इतना सूरज इतना गर्म क्यों होता है. व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा गेम कौन सा है. हाउ मेनी आईज डू यू हैव, आपकी कितनी आंखें हैं. डू यू हैव फ्रेंड्स, ये आपके फ्रेंड्स हैं. सो दिस सेंटेंस आस्क समथिंग, ये सेंटेंस सारे के सारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं. अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन, जो सेंटेंस कुछ पूछते हैं वो क्वेश्चन कहलाते हैं. इट्स ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा इसका एंडिंग किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से होती है. सो नाउ डू यू वी कैन डू एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो रीड द फॉलोइंग, पुट अ फुल स्टॉप इफ इट इज अ सेंटेंस, फुल स्टॉप लगाइए अगर ये सेंटेंस है. पुट अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाइए इफ इट इज अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस है तो फुल स्टॉप. दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सेंटेंस है तो फुल स्टॉप. डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम्हें मैंगो पसंद है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ना, सो क्वेश्चन मार्क. इट इज सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है, फुल स्टॉप. देयर आर मेनी फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में काफी सारे फूल है, सेंटेंस है तो फुल स्टॉप. आर यू गोइंग ऑन अ पिकनिक ऑन सैटरडे, क्या सैटरडे में आप पिकनिक में जाओगे, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क. इज ही गोइंग टू शिमला, क्या तुम शिमला जाओगे, क्वेश्चन मार्क. द रिवर इज डीप हेयर, यहाँ नदी काफी गहरी है, सेंटेंस है तो फुल स्टॉप. दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ मैरीगोल्ड फ्लावर, ये गार्लैंड माला मैरीगोल्ड के फ्लावर से बनी है, सेंटेंस है तो हमने यहाँ फुल स्टॉप कर दिया. सो स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो फिल योर बुक लाइक दिस. ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.